बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। अच्छा, मैं आज बनाने जा रही हूँ विंटर के लिहाज से एक बहुत ही आसान सी क्रीम, जिसमें विटामिन ई है और वाइटनिंग कैप्सूल्स हैं और वाइटनिंग पाउडर कैप्सूल्स हैं। तो ये बहुत ही इजी है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हमारे सर्दियों में हाथों पाँवों का गर्दन का कलर बहुत ही इचन वाला और बहुत ही डल हो जाता है कॉम्प्लेक्शन। तो उसके लिए मैंने एक ये जॉनसन्स की क्रीम ली हुई है, और ये मैं छोटे साइज़ में जो जार है ये खाली है, इसमें मैं जो है ये जॉनसन्स क्रीम बना के रखूँगी। जॉनसन्स की क्रीम वैसे भी मुझे बहुत ही पसंद है, मैं ये गर्मियों में भी इस्तेमाल कर लेती हूँ ईज़िली। तो ये देखिए, ये जो छोटा जार है इसके मुताबिक मैं ये क्रीम ले रही हूँ और क्रीम बना के रखूँगी। ये देखिए, इस जार के मुताबिक ये क्रीम बना रही हूँ मैं। ये देखिए, मैंने इतनी इस क्वांटिटी में ये क्रीम ले ली है, और मेरे पास जो है कैप्सूल्स हैं तीन तरह के, वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये छोटे जॉनसन्स जार के मुताबिक मैंने क्रीम ले ली है। आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके अलावा इस क्रीम के अलावा आप कोई सभी क्लेंजिंग मेल, कोई भी लोशन जो आपको पसंद हो, जो आप यूज़ करती हो, वो भी ले सकती हैं, लेकिन मुझे जो है जॉनसन्स बेबी क्रीम बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने ये ली है, और ये मेरी सर्दियों की बेस्ट क्रीम बन जाएगी। सर्दियों में हमारे हाथों का कलर बहुत डल हो जाता है और बहुत ही खुरदुरा, तो उसके लिए मेरे पास विटामिन ई के जो ये 6 से 7 कैप्सूल्स हैं, और अगर आपको और ज़्यादा ऑयली करनी है, ग्रीसी करनी है, तो आप ये कैप्सूल और ज़्यादा ले सकते हैं, इनकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। विटामिन ई की कैप्सूल बहुत ही ज़बरदस्त, ये आप किसी भी लोशन में भी मिला सकते हैं, और इसके अलावा आप बालों में भी लगा सकते हैं कोई भी ऑयल में डाल के। ये हमारे स्किन के लिए और हमारे बालों के लिए बहुत ही जो है इफ़ेक्टिव है। और उसके बाद ये देखिए, मेरे पास जो है वाइटनिंग के कैप्सूल है, इस तरह के जार में मिलते हैं, और ये ग्लूटेन कैप्सूल्स भी कहलाते हैं ये देखिए। और इसके अलावा मेरे पास एक पाउडर फॉर्म में वाइटनिंग कैप्सूल है, जो कि वाइटनिंग के लिए के साथ साथ पिंकिश भी इसके अंदर पाउडर फॉर्म है, और जो ये मेरे पास वाइट कैप्सूल्स हैं ये क्रीम फॉर्म में, और ये जो जार मैं आपको दिखा रही हूँ ये पाउडर फॉर्म में कैप्सूल्स हैं। तो ये तो मैं 2 अदद लूँगी, और ये वाइटनिंग जो है मैंने जो है 6 से 7 ले लिए, और ये विटामिन ई के भी कैप्सूल मैंने 7 से 8 ले लिए, और ये जो पाउडर फॉर्म के कैप्सूल हैं जिसमें थोड़ा सा पिंकिश सा भी इफ़ेक्ट है, ये मैंने 2 लिए हैं बस। और अब मैं इनको जो है 1 by 1 इस क्रीम में मिक्स करती हुई जाऊंगी। ये विटामिन ई के कैप्सूल हैं, ये जो है ऑयल फॉर्म में ऑयली, लेकिन इसके अंदर बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं है, सर्दियों में जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, ग्रेसी है, आपके स्किन को वाइटनिंग इफ़ेक्ट देने के साथ साथ बहुत सॉफ्ट और मुलायम कर देंगे। मेरे हाथों का कलर बहुत डल हो चुका था, तो अब मैं तो ये बनाने जा रही हूँ, मैं तो अपनी क्रीम स्टार्ट कर दी है बनानी। फिर जब आप लोग इस तरह से बनाएं तो आप लोग मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल दिए मैंने, और इसके बाद जो है मैं वाइटनिंग के कैप्सूल डालूँगी इसके अंदर। ये जो वाइटनिंग के पाउडर फॉर्म में कैप्सूल डाले हैं मैंने, इसमें आप देखिएगा ये मुझे पिंकिश सा भी इफ़ेक्ट देंगे। ये देखिए जो है तो वाइट फॉर्म में, और ये थोड़ा सा पिंकिश सी क्रीम हो जाएगी, बिल्कुल लाइट पिंक। ये आप फेस पे इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट कुछ दिनों में खुद ही पता चल जाएगा।
ज़रूरी नहीं है हमारा कलर बिल्कुल फेयर हो, सफ़ेद हो जाए, ऐसी कोई भी चीज़ ईजाद नहीं हुई आज तक जिससे आपका कलर बिल्कुल सफ़ेद वाइट गोरा हो जाए, लेकिन आपकी स्किन का जो है चमकदार होना लाजमी है, उसका फ्रेश होना लाजमी है, उसका डिहाइड्रेट होना लाजमी है, तो आपका जो है नॉर्मल कलर भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके अलावा सॉफ्ट जो है हमारे हाथों का जो है खुरदरापन ख़त्म करने के लिए ये बेस्ट क्रीम जो मैं बनाने जा रही हूँ ये बिल्कुल बेस्ट क्रीम है। ये देखिए अब ये मैंने तमाम चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब मैं इनको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी बिल्कुल कि जो है अब आप इसका और जो जॉनसन्स की मेरे पास क्रीम रखी है उसका और उसका कलर देखिएगा, उसका थोड़ा सा पिंकिश लुक आएगा, पिंकिश वाइट, और इसको लगाने में भी देखिएगा आप कितनी सॉफ्ट लगेगी। ये देखिए मैं इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए मेरी क्रीम अब तैयार हो चुकी है और मैं अब इसको ये छोटे से जार में भी भर के रख लूँगी क्योंकि ये मैं अपने बैग के लिहाज से रखूँगी। ये देखिए पिंक, लाइट पिंक, और ये देखिए इन दोनों क्रीम्स का कलर चेक कर लें आप, ये वाइट है और वो जो है पिंकिश से है क्रीम। अब ये देखिए मैं इस जार में भी ये क्रीम डाल दूँगी, और इसके अलावा मैं छोटी बॉटल में इसलिए रखती हूँ कि मैं अपने पर्स वगैरह में भी डालने के लिए जो है वेट ज़्यादा ना हो, कोई हैवी लोशन ना हो मेरे पास। आप किसी शीशे की बॉटल में भी रख सकते हैं, प्लास्टिक जार में भी रख सकते हैं, और ये है कि ये इसको फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी क्रीम, ये आपकी चलती रहेगी जब तक आप इसको चलाएंगी। आप इसको रोज़ाना जो है साइड बेड के साइड टेबल में रख लें और रोज़ाना इसको जो है सोते टाइम इस्तेमाल करें अपने हाथों पे, पाँवों पे, फेस पे, नेक पे, और ये देखें कितनी स्मूथ क्रीम तैयार हुई है ये। वीडियो पसंद आए लाइक करना ज़रूर भूलिएगा मत, और ये देखें इसका इस्तेमाल देखिए, इसका आपको फर्स्ट टाइम लगाने से ही इफ़ेक्ट पता चल जाएगा। इसके जो वाइटनिंग कैप्सूल हैं ये बड़ा ज़बरदस्त कमाल के हैं, ये फेशियल्स वगैरह में भी यूज़ होते हैं। ये देखें ये जो है ड्राई होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त आपकी स्किन हो जाएगी।